तुम्हें यह पढ़ाया गया, तुम गुनाहगार हो, डायरेक्ट डायरेक्ट अल्लाह तक वाजिबा, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत नहीं होती। क्या बात है जी, आगे पढ़ी पढ़ाई कौम ने कहा जी बिल्कुल ठीक है जी, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत तो होती है। गवर्नर वजीर आला को मिलना हो तो कितने पापड़ पेलने पड़ते हैं। यहां के सूबाई असेंबली के मेंबर को कहोगा वो आगे कहे, वो उसके सेक्रेटरी को कहे वो आगे कहे, ता जाके बंदा वजीर आला तक पहुंचे। अल्लाह तक पहुंचना हो तो इनके वास्ते से पहुंचो ना, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत होती है। तुम गुनाहगार हो, मामूली लोग हो। हदीस में आया एक नबी बारिश की दुआ मांगने के लिए खुले मैदान में आया, सहाबा साथ हैं, दोपहर का टाइम है, पसीने में शराबूर हैं। जब मैदान में वो नबी पहुंचा तो अचानक कहा वापस पलटो, दुआ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत घर से निकाला, दोपहर का टाइम, पसीने में शराबूर, बिन दुआ मांगे वापसी का आर्डर हो रहा है। फरमाया हां मैं इस मैदान में पहुंचा तो मेरे रब ने मुझे दिखाया एक चींटी, कीड़ी कीड़ी, एक चींटी नन्ने नन्ने हाथ उठा के रब से बारिश की दुआ मांग रही थी। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पलट जा, मैंने चींटी की सुनकर बारिश बरसाने का फैसला कर लिया है। तेरी नहीं सुनता, तुझे यह पढ़ाया गया, तेरी नहीं सुनता, तू गुनाहगार है, इनकी नहीं मोड़ता, तुझे यह पढ़ाया गया और यहां चींटियों की सुनी जा रही। ये फार्मूला बड़ा है, मिसाल बड़ी है, छत पे चढ़ना हो तो मिसाल बड़ी दिमाग को लगती है, यहां जरब लगती है। हां हां असा छत तो इन पहुंच सकते हो तो सीढ़ी की जरूरत होती है। मैंने कहा छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि छत है वहां और मैं हूं यहां, 12 फुट दूर, 18 फुट दूर, मैंने यहां से जाना है वहां, बगैर सीढ़ी के नहीं जा सकता, बगैर सीढ़ी के नहीं जा सकता। मौला जरा तू बताना तू कहां है, इन्होंने तुझे छत से मिसाल दे दी, 12 फुट 14 फुट चढ़ने के लिए तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, मौला तू कहां है। फरमाया इन्नी करीब, इन्नी करीब, करो माना मौला ये माइक भी मेरे करीब है, ये स्टैंड भी मेरे करीब है, कुरान का नुस्खा मेरे करीब है, ये मेरा रुमाल मेरे करीब है, तू कितना करीब है। फरमाया नहनु अकरब इलैहि मिन हबलिल वरीद, तेरी शाहरग इतनी करीब नहीं जितना मैं तेरे करीब हूं। 10 पौड़ी कितने रखनी है, मिसालें देता फिरता है। छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, और पागल छत पे चढ़ने के लिए सीढ़त की जरूरत इसलिए पड़ती है कि छत दूर है, और जिस रब से मेरा मामला है कितना करीब। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, वजीर आला से मिलना हो, कमिश्नर साहब से मिलना हो तो नीचे अमले को मिलना पड़ता है, पापड़ पेलने पड़ती हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मैं गया लाहौर वजीर आला साहब के दफ्तर में, वजीर आला साहब बाहर मिल गए, कुदरती मिल गए, मुझे कहते हैं पेश कर अपनी दरखास्त। क्या दरखास्त है, मैंने इधर देखा फिर उधर देखा फिर पीछे देखा, वजीर आला साहब कहते हैं किधर देख रहे हो, मैंने कहा नीचे वाले अमले को देख रहा हूं, उनके जरिए पहुंचूंगा,
उनके वास्ते से पहुंचूंगा, उनके वसीले से पहुंचूंगा। वजीर आला साहब कहते हैं तूने मेरी ऑफर की तौहीन की है, मैं जब खुद कहता हूं कि मांग मुझसे क्या मांगता है, मांग मुझसे क्या मांगता है, फिर तू चपड़ासियों को देखता फिरता है, फिर तू नीचे वाले अफसरों को देखता फिरता है। कुरान कहता है वाइजा साला का इबादी अन्नी फाइंडी करीब उजीबो उजीबो दावत दाए इजादान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब दिया करता हूं। काला रब्बुकुम का माना करो, तुम्हारा रब कहता है उदूनी मुझे पुकारो अस्तजीब लकुम, मैं तुम्हारी पुकारों को क्या करता हूं। और अगर डीसी साहब से कमिश्नर साहब से वजीर आला साहब से रब की मिसाल देनी है, इसीलिए कुरान ने एक जगह पे कहा फला तजरेबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह दिया मिसाला ना दितियां करो जी। उठाओ कुरान फला सूरत नहल में कहा, सूरत नहल में फला तजरेबू लिल्लाहिल अमसाल, अमसाल अल्लाह के लिए मिसालें बयान हो, छतों की मिसाल बयान करते हो, डीसी की मिसाल बयान करते हो, गवर्नर की मिसाल, उससे तशबीह देते हो, और पागलो डीसी के दरवाजे पर लिखा हुआ है बगैर इजाजत अंदर आना मना, और उसने अपने दरवाजे पे लिखवाया उजीब दावत दाइजादान, 24 घंटों में जब भी मुझे पुकार मैं तेरी पुकार का जवाब दिया करता हूं। मैं इतवार के दिन कचहरियां पहुंचा तो मुझे पता चला आज डीसी साहब छुट्टी पर हैं। क्यों छुट्टी होती है? 7 दिन काम करके थक जाते हैं, एक दिन छुट्टी करते हैं। अल्लाह दी दे ना मिसाल डीसी नाल दे, बंदों से मिसाल देता रब की। डीसी थक जाता है, वजीर साहब थक जाती हैं, कमिश्नर थक जाता है, और कुरान कहता है वला यऊदुहू वसिअ कुर्सियुहु समावाते वल अर्ज वला यऊदुहू हिफ्ज़ुहुमा, जमीनो आसमान की हिफाजत करसे से मैं कभी थकता भी नहीं हूं। तो उनसे मिसालें देता फिरता है रब की, बंदों से। चपड़ासी ने कसूर किया, मुलाजिम ने गलती की, अफसर की नाफरमानी की, अफसर कहते दफा हो जा, निकल जा मेरे दफ्तर से, फिर मुझे मुंह नहीं दिखाना। ये परेशान हुआ, इसने मिन्नत की, एक कुरान का मेला लै गया, इकट्ठे होके गए, इसने माफी मांगी, पांव पकड़े, मिन्नतें की, समाइतें की, फिर जाके अफसर राजी हुआ। और मेरा रब हर रोज आधी रात के बाद अपनी रहमत पहले आसमान पे उतार के सुबह तक ऐलान करता है हल में मुस्तगफिरिन फाग़फिर लहू। पहले लफ्जी तर्जमा करूंगा फिर खतीबाना तर्जमा करूंगा, खतीबाना तर्जमा में आपको मजा आ जाएगा। हाल में मुस्तगफिरिन, है कोई गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला? फाग़फिर लहू, मैं गुनाह बख्शने के लिए आ गया हूं। बंदयालवी ने तर्जमा किया, सुबह तक आवाज लगाता है हाल में मुस्तगफिरिन फाग़फिर लहू, है कोई मुझसे रूठा हुआ, मैं खुद मनाने आ गया हूं, मैं खुद मनाने आ गया हूं। तू उस रब को डीसी से मिसालें देता फिरता है, तू उस रब की मिसालें गवर्नर से देता फिरता है, तू उस रब की मिसालें इंसानों से देता फिरता है। तो मुशरिकीन मक्का का नजरिया क्या था कि हम इनकी पूजा पाठ इसलिए करते हैं, इनको पुकारते हैं इसलिए कि ये हमें अल्लाह के क्या करते हैं, ले युकर्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फ़ा। सूरत यूनुस में क्या कहा, हाउलाए शुफाउना
ذرا شفا نا کا معنی کرو، شفا نا، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، کس کے ہیں؟